एवरीवन, वेलकम बैक टू बेकन बाइक बेकरी। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल बेकन बाइक बेकरी में, जहाँ पे हम ये सीखते हैं कि हम थोड़े बहुत टिप्स, ट्रिक्स और मेथड को यूज़ करके अपने खाने को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और प्लीज़ हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, ये समझने के लिए कि हमने उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं और वो हमारी फाइनल डिश पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए डिश लेके आई हूँ वो बहुत ही अच्छी, स्पाइसी और टेस्टी डिश है, जो बिहार की एक फेमस डिश है। तो आज जो हम बनाएंगे हमारी इस वीडियो में, जिस रेसिपी की बात करनी है वो है बाटी चोखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमें अपने बाटी चोखा को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे चोखे को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो यहाँ पे है हमारे पास भुने हुए बैगन, जिनको हमने लो गैस पे करके अच्छे से भून लिया है और पील आउट भी कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे टमाटर है अच्छे से भुने हुए, जिन्हें हमने पील आउट करके भून लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास है ये आलू, जिनको हमने अच्छे से उबाल के और इनको हमने पील आउट कर लिया है। साथ ही साथ हमारे पास है यहाँ पे ये लाल प्याज, जिनको हमने बारीक महीन महीन काट लिया अपने चोखे के लिए। और फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ मसाले हैं, जैसे ये हो गया हमारा अदरक और ये हो गया हमारा लहसुन। साथ में हमने मिर्चे काट लिए हैं। ये जो हमारा चोखा होने वाला है, एकदम बढ़िया सा टेस्टी सा चोखा होने वाला है। और यहाँ पे हमारे पास ये है भरी मिर्च का अचार, जो हमारे चोखे में सबसे ज्यादा फ्लेवर देगा। और साथ ही साथ में हमारे पास ये सरसों का तेल है, जिसका जो हमें चोखे में एक अच्छा सा फ्लेवर देगा। एक मेन फ्लेवर होता है सरसों के तेल का। और साथ ही हमारे पास यहाँ पे धनिया है, जो भी हमारे पूरे चोखे में अच्छी सी फ्रेशनेस ऐड करेगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारी बाटियों के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी मिर्चें हैं, अदरक है, लहसुन है और लाल प्याज है, जिसको हमने बारीक काट लिया है। यहाँ पे हमारे पास है आटा 2 कप और 1 कप हमारे पास सत्तू है। सत्तू के अंदर हम अपना सरसों का तेल और सारी चीजें मिला के अच्छे से सत्तू को भी तैयार कर लेंगे। और साथ ही मेरे पास एडिशनल है थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम अपने सत्तू को तैयार करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है 1 कप सत्तू। अब इस सत्तू में हम अपने ये जितने भी सारे मसाले हैं वो ऐड कर लेंगे, हमारी मिर्चें, अदरक और लहसुन, और साथ ही साथ में इसमें अपना सारा प्याज भी डाल देंगे। हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे, जैसे थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, और अब बारी है इसमें हमारे थोड़े से सरसों को तेल को डालने की, जो ये इन सबको एकदम इकट्ठा कर लेगा। और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा अपना ये भरी मिर्च का मसाला भी डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और डलेगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा तेल और डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो सत्तू है रेडी हो गया है। अब तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि हमारी बाटियां बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी अपना आटा ले लिया है। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार डालूंगी। हम इसमें पूरी मलाई और दूध में घोलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास करीबन 1/2 कप हमारे पास ये मलाई है। अब हम इसमें अपने आटे को अच्छे से गूंदेंगे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि हमारा जो पूरा आटा है वो हमने अपनी मलाई या दूध के साथ ही गूंदना है, जिससे क्या हमारी जो बाटियां होंगी वो अच्छे से सॉफ्ट निकलेंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आटा हो गया है अच्छे से। तो मैंने इस पे अच्छे से रिफाइंड लगा के अब मैं इसको रेस्ट करने दूंगी 10 से 15 मिनट। उसके बाद हम अपनी बाटियां बनाएंगे। तो दोस्तों, अपना चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मैश हो जाएं। तो अब हमारी बारी है कि हम एक एक करके सबको मिक्स करते जाएं। तो सबसे पहले मैं इसमें अपने सारे बैगन को डाल दूंगी और साथ ही में हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना टमाटर को भी डाल देंगे, जो है वो आपस में हमारे मिक्स हो गए हैं। तो अब बारी हमें हमारे ये मसाले डालने की। हमने यहाँ पे थूम डाल दिया, यानी लहसुन डाल दिया, ये मिर्ची डाल दी
और ये अदरक को भी डाल दिया। अब हमें क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है, बस हमें इसके अंदर सारी चीजों को डालते जाना। थोड़ा सा धनिया डाल दिया। अब इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बारी है इसमें हमारे मसाले डालने की। तो यहाँ पे मैं इसमें अपना करीबन 4 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ। आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हमारी काली मिर्च, सबको फ्लेवर देने के लिए, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बारी है इसमें हमारे इस अचार को डालने की, जिससे इसका रंग और फ्लेवर और निखर जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें से सारा पल्प निकाल लिया है और इसके जितने भी छिलके थे उनको अलग कर दिया। तो अब बारी है हमें ये मिक्स करने की। तो इसमें मैं करीब 2.5 स्पून डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगर ये हम अपनी बाटियां तलते हैं, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है वो एकदम ही सॉफ्ट और अच्छे से हो गया। तो अब बारी है हमारी यहाँ पे बाटियां बनाने की या लिट्टियां बनाने की। तो अब हम अपनी लिट्टियों के लिए क्या करेंगे, हम दो तरीके से लिट्टी बनाएंगे, एक तो चोखे वाली बनाएंगे और एक बिना चोखे वाली बनाएंगे। तो जो बिना चोखे वाली आटी लिट्टियां रहेंगी हमारी, उनके लिए हमने क्या करना है, बस ऐसे आटों की लोइयां बना के उनको गोल गोल बाटियों का आकार दे देना, उनको हम ऐसे ही तंदूर पे रखेंगे। और दूसरी बाटियों के लिए हमने क्या करना है, ऐसे, या आप ये जो पूड़ियां, ये जो अपना आटा बेलेंगे आप वो पतला भी बेल सकते हैं और मोटा भी बेल सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। बट मैंने यहाँ पे इसको एक पूड़ी की जितना पतला बेल तंदूर में सेकूंगी। अगर आपके पास गैस तंदूर नहीं है तो आप चिंता मत करिए, आप इसे कढ़ाई में भी अच्छे से बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा आटा निकाल के इस लोई को अच्छे से गोल कर दिया है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से यहाँ पे अपनी जो बाटियां हैं वो अच्छे से बना रखी हैं। अब बारी है इन्हें तंदूर में रख के बनाने की। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा, मैंने तंदूर को पहले से रख दिया था 10-15 मिनट के लिए और वो अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब बारी है इसमें हमारी बाटियों को। तो फ्रेंड्स जैसा देखिए आप देख सकते हैं कि जो हमारी बाटियां वो पकना शुरू हो गई हैं। इनको कम से कम अच्छे तरीके से पक जाने में 15 से 30 मिनट लगेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या साइज है बाटियों का। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी लिट्टियां हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई हैं। तो अब बारी इनको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारी बाटियां निकाल दी। तो अब बारी है कि इसमें से जो सिर्फ आटे की बाटियां हैं उनको हम क्या करेंगे। हमारा ये पास ये जो घी है मैंने अराउंड 6-7 टेबलस्पून घी ले लिया है। अब इस घी में हम वो वाली सारी बाटियां 1.5 मिनट तक इसको अच्छे से सोख होने देंगे और घी अंदर तक जाने देंगे उसमें, और उसके बाद हम करेंगे अपनी प्लेटिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो बाटी चोखा है वो अच्छे तरीके से तैयार हो गई है और ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस और यमी लग रही है। तो चलिए मैं आपको अपनी ये बाटियां तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे तरीके से अंदर से स्टफ हैं, और साथ ही साथ में हमारी ये जो घी वाली बाटियां हैं इसमें घी अच्छा अंदर तक है और ये एकदम अच्छी सी मॉइस्ट। तो फ्रेंड मेक श्योर कि आप हमारी ये रेसिपी बाटी चोखा की ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस रेसिपी ने आपके घरों में क्या जादू किया। और मेक श्योर फ्रेंड्स कि आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने प्रिय जनों के साथ, ताकि हम अपने इस यूट्यूब के परिवार को एक बड़ा परिवार बना सके। और अंडिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।